गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। ये देखिए पनीर कट रहा है, तकरीबन ये है आधा किलो पनीर। इसके हमने मोटे मोटे पीसेस काट लिए हैं। कितने हट्टे कट्टे पीस है, कितना गोरा गोरा पनीर है, देख के मज़ा आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है। ये देखो हमने इसके पीसेस करके ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिए, ये हमें दिखाना पड़ता है यूट्यूब पर। इसके बाद देखो साइड में रखे हुए हमारे हरे हरे मटर। अब हमने रख दिया पैन, इसमें देखो तेल गर्म हो रहा है। इसमें हमने डाल दिया पनीर के पीस फ्राई करने के लिए। तो देखो ये हम इसे कर देंगे कुरकुरा, थोड़ा थोड़ा गोल्डन गोल्डन ब्राउन से कर देंगे इन्हें। तेल के अंदर डाल के एक एक पीस डाला जा रहा है और इसमें से पानी छलक रहा है। और ये हमारे पनीर के पीसीज हो रहे हैं फ्राई, मतलब शैलो फ्राई थोड़े तेल में। और तेल भी सरसों का है जो हमने पहले जला लिया था, थोड़ा हेल्दी रहता है, हम लोग दूसरा तेल नहीं खाते जो रिफाइंड होता है। तो ये देखो ये हमारे पनीर के पीस हो गए हैं गोल्डन ब्राउन और तेल ने भी रंग पकड़ लिया है। साथ में हमारे टमाटर कट रहे हैं, ये टमाटर का हम बनाएंगे ग्रेवी। और देखो टमाटर के पीस काटे जा रहे हैं ऐसे। और ये रहे हमारे पनीर के पीस फ्राई करे, हमने प्लेट में डाल दिए। अब कढ़ाई रख दिया लोहे की, इसमें डाल दिए दो हरी इलायची, ये रही चार पांच काली मिर्च डाल दी है और इलायची डाल दी है। और ये हमारा क्या तेज़पत्ता, खुशबू के लिए बहुत यम्मी होता है तेज़पत्ता, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और ये डाल दिया हमने ज़ीरा। अब ये साथ में तर 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 इसमें से चलना शुरू हो गया तेल के अंदर गर्म। देखो कैसे उछल रहा है ये तेल के अंदर। और ये अब आ गए हमारे कटे हुए प्याज, ये हमने डाल दिए। हम इसे तेल के अंदर सौते कर लेंगे अपने तेज़पत्ता इलायची और काली मिर्च के साथ। इनकी एक परिवार बना दिया हमने कढ़ाई के अंदर। इन सबको अच्छे से भून दिया गया, सौते कर लेंगे। अब ये डाल दिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तो बाज़ार से लेके आते हैं 10 रुपये का पैकेट। एक पैकेट खोला इसमें डाल दिया, 50 ग्राम होता है। और ये देखो हमारा ये एक प्याज और सारे मसाले सौते हो गए। अब इसमें डाल दिया हमने नमक है ये सेंधा। और ये डाल दी हल्दी, और हल्दी के बाद हम क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे धनिया पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा जीरा पाउडर, हम डालेंगे लाल मिर्च। और इसके बाद हमने डाला है ये टमाटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भी सौते कर लेंगे, एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखो कैसे हम इसे मिला रहे हैं, कड़छी मारने की हमारी आदत है कढ़ाई में, तो बहुत सारी कड़छी हमने मार दी है। अब इसमें हमने मिक्स कर दिया टमाटर, और वैसे मसाले ने भी तेल छोड़ दिया तो मटर मिक्स करने का टाइम हो गया था। ये हमने मटर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, देखो ऐसे कितना सुंदर लग रहा है, रंग कुदरती रंग है, हरे हरे मटर, लाल लाल मसाला, वाह भी वाह। ऐसे ऐसे देखो हम कैसे कड़छी मार मार के हिला रहे हैं कढ़ाई के अंदर। खैर वो हमारी आदत है कड़छी मारना कढ़ाई में ढेर सारी बार 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 बार। हमने इसमें गर्म पानी डाला है हमने, ये देखो ये इससे क्या होता है, गर्म पानी से ना सब्ज़ी को शॉक नहीं लगता, वरना ठंडा पानी डालेंगे तो सब्ज़ी शॉक में आ जाएगी, क्या हो गया, ये कौन आया। तो गर्म पानी डालें तो सब्ज़ी स्वाद बनती है। ये हमने इसे कर दिया ऐसे, देखो सब्ज़ी उबलनी शुरू हो गई है। और पूरी देखिएगा ये रेसिपी, देखो हमने ढक दिया, देखो पूरी रेसिपी देखना, मटर पनीर बहुत स्वाद बने थे, अभी बचे हुए हैं, मैं अभी फिर से खाऊंगा। और ये हमारी सब्ज़ी उबल चुकी है। और वीडियो में बताएं लाइक कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी। ये हमने पनीर डाल दिए हैं, देखो ये पहले पनीर थे हमारे, हमने इसके अंदर डाल दिए, अभी उबलने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। और मुश्किल 2 मिनट और रखेंगे, सब्ज़ी तैयार है उसके बाद में। और वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक, कितनी सुंदर सब्ज़ी बनी है। इसके बाद में हम लच्छा पराठा भी बनाएंगे जो बहुत ही कुरमुरा बना था। तो ये हमने पनीर डाल के इसको उबाल दिया है सब्ज़ी के अंदर। देखो सब्ज़ी लगभग हमारी रेडी हो गई है, देखो ये पनीर ने भी इसकी ग्रेवी को पकड़ लिया है, तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। अब हम बनाएंगे लच्छा पराठा, ये देखो और आटा बेला जा रहा है। इसके अंदर डाल दिया देसी घी, डाला थोड़ा सा, ये बहुत हैवी जाता है ये भी। और इसको हम मिलाएँगे अच्छे से, रोटी पे चस्पा देंगे। हाँ ऐसे देखो ये हमने काट दिया है रोटी, हमने वो जैसे तंदूर वाले करते हैं ना वैसे करने के जगह हमने इसे नमक पारी की तरह काट के, और हम इसको जोड़ तोड़ कर लेंगे इसका, ये इसका लच्छा पराठा बन जाएगा कुरमुरा सा। ओहो ये रोटी उछल गई हमारे चकले से, कोई बात नहीं, हमने इसके लंबे लंबे पीसेस कर लिए हैं। अब हमने इसे जोड़ना शुरू कर देंगे चिपका चिपका के एक दूसरे के ऊपर एक। और ये देखो ये बन गया ऐसे नमक पारी की तरह। और ये चलो देखो हमारा ये सिस्टम चल रहा है ऐसे, एक के ऊपर एक करके हम रोटी के टुकड़ों को ऐसे चिपका रहे हैं, चस्पा रहे हैं। तो ये हो गया ऐसे। खैर मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, ये 1.5 की स्पीड पर चल रहा है तो जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसे कर दिया। अब हम इसे रोल बनाएंगे इसका एक। हाँ जी बिल्कुल, इसका देखो ये ऐसे हमने इसे घुमा दिया रोटियों को आपस में चिपका के, हम इसे रोल कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। ये देखो अब ये घुमाएंगी रोटी को, देखो ये हाँ बिल्कुल ऐसे हम इसे रोल कर लेंगे, और इसको हम ऐसे पिचका देंगे थोड़ा सा ऊपर से, हाँ ऐसे करके। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा बुरक देंगे ऊपर से, और फिर हम इसको बेलेंगे। ये देखो ऐसे कर दिया हमें, घी ऊपर आ चुका है पराठे में से, ये हमने सूखा था मल दिया इसके ऊपर, बेलने में आसानी होती है। ये देखो ऐसे लगाया
और ये हमारे रोटी बेल चुकी है, हमने डाल दिया तवे के ऊपर और एक तरफ से सिक जाएगी। अभी हम डालेंगे उसके ऊपर देसी घी और वीडियो पूरी देखिएगा। पराठा बड़ा स्वाद बना है, पराठा सिक चुका है एक तरफ से, दूसरी तरफ से सेक लिया इसको, प्लेट में लगा दिया है। अब इसके पराठे के ऊपर डाला गया एक चम्मच देसी घी, साथ में रखी है सब्जी और रखा टमाटर और रखा हरी मिर्च। वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।